Hello everyone, welcome to Civil Service Corner. Today we shall discuss an important question related to GS paper 3. The GS paper 3 ame kon pa discuss karuche na ame jo pila mane economy ku beshi focus karuchanti ba economy re jothre weak achanti tanko pai ei video bahut helpful hebo kon pai na ame kote particular jete bele question discuss karuche ame total aspect ku neki discuss karuche to ei jo chapter ame link kari pariba banking amro जो तुम मैंने जो जदि देखु इकोनॉमी रो आमर जो लेक्चर सीरीज चली तो आज लास्ट लेक्चर थी आमर इकोनॉमी लेक्चर सीरीज को जदि जीव से तुम देखिपर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया करी दुईटा चैप्टर आम दुईटा लेक्चर आम कवर हो तो से देखिपर जो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया को लेकिन जहाँ सब जिनस अच्छी तुम पढ़व देन जदि ये वीडियो देख देन तुम्हें यहाँ बहुत हेल्पफुल हम तो ये देखो क्वेश्चन कौन पचार इज द टाइम राइप फॉर इंडियन बैंक्स टू एम्ब्रास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालाइज विथ एसोसिएटेड प्रोज एंड कॉन्स तेणु ये आम कौन क्वेश्चन पचार बैंक इंडियन बैंक मानक जो सिचुएशन है तो ये आम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने सुइटेबल टाइम कि एनालाइज कर विथ प्रोज एंड कॉन्स तेणु आम कि बैंक भी आमर SBI हो कि आमर जो एडवांस बैंक माने HDFC माने सब कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो किछि किछि यूज कले तुम्हें मैंने जाथ तो आम जदि गोटे पर्टिकुलर आंसर ये लिखाप जावा फास्ट आम जाचे ह्वाट सुड वी डू फास्ट आम इंट्रोड्यूस करवा तो फिनान्सील सर्विस को आम देखिकी कौन लिखुचे ना द फिनान्सील सर्विस इंडस्ट्री हाज प्रोव टू बी आन एंथुसियास्टिक आडप्टर अफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस driven by the availability of data and investment appetite. Creative implementation of artificial intelligence by startup and fintech have helped further this trend. Customer expect faster, personal and meaningful services and interaction with their banks and little tolerance for generic unsolicited message. Therefore, bank must leverage artificial intelligence to balance the need for privacy and security with personalization and engagement. That said, the Indian banking sector has some amount of catching up to do. तो तुम्हें जदि SBI रो कस्टमर हो लार्जेस्ट लेंडर ऑफ द कंट्री तो से तार जो आसी नुआ इनिशिएटिव गोटे योनो बोलिकी तो योनो रो जो ताकू जदि तुम नेट बैंकिंग पासवर्ड थी लॉगिन करके बहुत सारा सर्विस तुम्हें अवेल कर पार तो से टाइप रो लेटेस्ट एंड टेक्नोलॉजी आमर जो यूज हो बैंक मानक सीटा कौन पे यूज होती पर्टिकुलरली कस्टमर सेगमेंट को अट्रैक्ट करने और कस्टमर कन्वीनियंस पे इवेन मुझे मो पर्सनल जिन कथा कह तुमको जो पर्टिकुलर मुझे 4-5 मंथ है मोर ATM एक्सपायरी हो बट अप्लाई न करी विदाउट ATM मुझे विदाउट ATM आई एबल टू विथड्र द कैश फ्रम SBI ATM तो ओनली ड्यू टू योनो ओके तेणु यही टाइप रो टेक्नोलॉजी जो आसूची कस्टमर मानकर पई कौन बेनिफिट होची ऑब्वियसली तो ताकू आमे बेस करी ए थरे इंट्रोड्यूस कौन करची से जिनसोटा ए थरे से लिखीची तमे भी सेई बडा तमे जते बडा आंसर लिखुचो ए टाइप रो गोटे इंट्रोड्यूस करिवो जोथरे की माने ऑल शुड मी माने ताकू जेमति ठीक ठाक लागिवो समस्तन को जेमति अमर देखि लेखाय छी देखो स्टार्टअप आ फिनटेक कंपनी माने बहुत सारा कंट्रीब्यूट करचंती बैंक रो टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करिया पई तो नेक्स्ट आमे देखिबा इतने पिक्चर को तुम्हें देखिपार ए पिक्चर देख यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इन बैंकिंग तो फास्ट देख जदि गोटे बैंक को आम जा फ्रंट ऑफिस थी मिडिल ऑफिस थी बैक ऑफिस थी तेणु देख साइज ऑफ कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटी जदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम यूज करुचे 199 बिलियन डॉलर आम कौन करें सेविंग करें गोटे बैंक रे गोटे बैंक सेव करें करना बैंक करुचे ओके तो 217 बिलियन डॉलर जदि मिडिल ऑफिस सेव करी इन टर्म्स ऑफ कौथरे कन्वर्सेशनल बैंकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी पर्सनलाइज इनसाइट सेमती एंटी फ्रॉड एंड रिस्क एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो मिडिल ऑफिस रे तो ये सब जिनस जितेबाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी माने जो होतेबू आम बहुत सारा सेविंग होची बैंक रो माने बेसी जो तार जो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कमी जाउची ऑटोमेटिकली कमी जीवो जेतो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसीबो तो बैक ऑफिस रे हमर क्रेडिट अंडररइटिंग हमर हो जाउची ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो ए सब जिनस को देखी कि तारो गोटे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अछि बैंकिंग सेक्टर रे
तो नेक्स्ट आम कौन लिखा ना फास्ट आडभांटेज आम लिखा जे एनहांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द पास्ट इंटरैक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स एंड देयर बिहेवियर दिस एनेबल बैंक टू कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय एडिंग पर्सनलाइज्ड फ्यूचर एंड इंटुसिएटिव इंटरैक्शन टू डिलीवर मीनिंगफुल कस्टमर एंगेजमेंट एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ द कस्टमर तो मुझे मोर एग्जांपल देली मोर एक्सपीरियंस को लेकिन एग्जांपल देली तुम्हें भी से भाई गोटे एग्जांपल इतने दे पार जमी मुझे योनो लिखिली तुम्हें भी इतने लिखिपारो तो फास्ट फ्यूचर कौन ना एनहांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस देन प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर आउटकम एंड ट्रेंड तो मुझे जो मोर योनो आप को ओपन करुच्ची मोर के इनभेस्टमेंट अच्छी मोर बाकी अच्छी सब जिन से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दूसरी सैटा ओनली ड्यू टू कौन हाई एंड टेक्नोलॉजी बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ही संभव हो पार्टी से लिखी देखो विथ इट्स पावर टू प्रेडिक्ट फ्यूचर सिनेरियो बाय एनालाइजिंग पास्ट बिहेवियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प बैंक प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम एंड ट्रेंड This help bank to identify fraud, detect anti-money laundering pattern, and make customer recommendations. Money launderer through a series of action portray that source of their illegal money is legal. With its power of machine learning and cognition, artificial intelligence identify these hidden actions and help save millions for banks. Similarly, artificial intelligence is able to detect suspicious data patterns among the humongous volume of डाटा ह्यूमंगस वॉल्यूम मैंने बहुत वॉल्यूम ऑफ डाटा टू कैरी आउट फ्रॉड मैनेजमेंट फर्दर विथ इट्स की रिकमेंडेशन इंजिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडीज फास्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द डाटा पॉइंट व्हिच हेल्प बैंक टू सक्सेसफुली अपस्केल एंड क्रॉस सेल अपसेल एंड क्रॉस सेल मैंने कौन ना अपसेल मैंने तार कोर एक्टिविटी को कहवा क्रॉस सेल मैंने तार अलग जो बिजनेस करुच्ची जमी इन्सुरांस से गुड़ाक आम क्रॉस सेल कर सब जिनस गुड़ाक से बैंक तार यूटिलाइज कर पार्टी का थ्रो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रो देन देख कॉग्निटिव प्रोसेस ऑटोमेशन दिस फीचर एनेबल ऑटोमेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ इनफॉरमेशन इंटेंसिव कॉस्टली एंड एरर प्रोन बैंकिंग सर्विसेज लाइक क्लेम मैनेजमेंट दिस सिक्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इंश्योर एक्यूरेट एंड क्विक प्रोसेसिंग ऑफ द सर्विसेज एट ईच स्टेप कॉग्निटिव प्रोसेस ऑटोमेशन फंडामेंटली ऑटोमेट्स ए सेट ऑफ टास्क दैट इम्प्रोवाइज अपॉन देयर प्रीवियस activities तो नेक्स्ट पॉइंट को जदि हमें देखिवा रियलिस्टिक इंटरएक्टिव इंटरफेस तो चैटबॉट जो हमरो जो बैंक को जतबे हमें लॉगिन करछे हमें चैटबॉट अछि से चैटबॉट को हमें यूज करूछे तो चैटबॉट आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्स्ट एंड इमोशन इन द टेक्स्ट चैट एंड रिस्पोंड टू इट विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे दिस कॉग्निटिव मशीन एनेबल बैंक टू सेव नॉट ओनली टाइम एंड इंप्रूव एफिशिएंसी बट ऑल्सो हेल्प बैंक टू सेव मिलियन ऑफ डॉलर एज ए रिजल्ट ऑफ कम्युलेटिव कॉस्ट सेविंग तुम्हें जमी देख लो आम पिक्चर मुझे देखेली तुम मानक से सेम तो सेमती नेक्स्ट फीचर कौन बा नेक्स्ट एडवांटेज कौन हो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कॉग्निटिव सिस्टम दैट थिंक एंड रिस्पोंड लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट प्रोवाइड ऑप्टिमल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा इन रियल टाइम दिस सिस्टम कीप ए रिपोजिटरी ऑफ एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन इन इट्स डाटाबेस कॉल्ड नॉलेज डाटाबेस बैंकर यूज दिस कॉग्निटिव सिस्टम टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन सो ए पॉइंट तुम लिखिपारे देख ये अच्छी रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस तो रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस रे ताकू तुम्हें यूटिलाइज कर पार ऑल रिव्यू एंड ट्रांसफर प्रोसेस बाय द अप्लाइंग रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन दिस एनेबल ऑटोमेशन ऑफ अबाउट 80% रिपीटेटिव वर्क प्रोसेस अलाउिंग वर्कर टू डेडिकेट देयर टाइम इन वैल्यू एड ऑपरेशन दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन तो एबे यदि हमें देखिया प्रो को देखिवा प्रो ऑफ बैंकिंग को देखिवा ताले कौन हबो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग ना नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग व्हिच ब्रिंग पावर्स टू एडवांस डाटा एनालिटिक्स टू कंबैट फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन एंड इम्प्रूव कंप्लायंस फ्रॉम पर्सनलाइजेशन टू कस्टमर सर्विस फ्रॉड डिटेक्शन एंड टू प्रिवेंशन टू कंप्लायंस एंड रिस्क मॉनिटरिंग टू इंटेलिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज हेल्प बैंक अगेन गेन बेटर कंट्रोल एंड प्रेडिक्टेबिलिटी Artificial intelligence algorithm accomplishes anti-money laundering activity in few seconds, which otherwise take hour and day. So artificial intelligence anti-money laundering को रोकने पे भी काम करुँची. तो तुम्हें comment में mention करिए what is anti-money laundering. AI, artificial intelligence also enable
बैंक टू मैनेज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा एट रेकॉर्ड स्पीड टू डिराइव वैल्यूएबल इनसाइट फ्रॉम इट। तो नेक्स्ट जदि आम देखा नेक्स्ट पॉइंट किसी देखा ताकू कौन मेंशन करी परिवा ना देखो इधर लिखा ही ची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग एज इट ब्रिंग द पावर ऑफ एडवांस डाटा एनालिटिक्स टू कॉम्बैट फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन एंड इम्प्रूव कंप्लायंस फ्रॉम पर्सनलाइजेशन टू कस्टमर सर्विस फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन टू कंप्लायंस एंड रिस्क मॉनिटरिंग टू इंटेलिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज हेल्प बैंक गेन बेटर कंट्रोल एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। आर्टिफिशियल एल्गोरिदम अकम्प्लिसेस एंटी मनी लॉन्डरिंग एक्टिविटीज इन फ्यू सेकेंड व्हिच अदरवाइज टेक आवर एंड डे। तो सेम जिनस एथरे मु जस्ट लिखी आर्टिफिशियल सेम जिनस मु कहूची देख प्रोज ऑफ आर्टिफिशियल इन बैंकिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्सो एनेबल बैंक टू मैनेज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा एट रेकॉर्ड स्पीड टू डिराइव वैल्यूएबल इनसाइट फ्रॉम इट। देन फीचर्स सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट डिजिटल पेमेंट एडवाइजर एंड बायोमेट्रिक फ्रॉड डिटेक्शन मेकानिज्म लीड टू हायर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू वाइडर कस्टमर बेस ऑल दिस ट्रांसलेट टू इंक्रीज रेवेन्यू रेड्यूस्ड कॉस्ट एंड बूस्ट इन प्रॉफिट। While Indian bank have explored the use of artificial intelligence, it has primarily been used to improve customer experience by adding chatbot as an additional interface to customers like SIA ba SIA jo gote ladies name jaku gote chatbot hisab re jetebale ame chat karuche SBI se to ame SBI site ku jauche se SIA CI ba SIA automatically asuchi au ame se to katha hochi IBA by HDFC IPAL by ICICI to ei jo टर्म बासब नेम जदि तुम मेनसन कर तुम मार्क फेचिंग अटोमेटिकाली हो। नेक्स्ट आम देखा लास्ट लास्ट जदि आम देखा तार कंज देखा फास्ट डिमेरिट कौन ना स्टेट ओन्ड बैंक हाव बीन स्लो टू लिवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्जली बिकज अफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंटेसन रिक्वयर बैंक टू अपरेट आउटसाइड अफ दैट कौन ट्रेडिशनल प्राइवेसी फ्रेमवर्क। देन इंडिया स्टिल डज नॉट हैव रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी पॉलिसी रिलायंस ऑन लिगेसी सिस्टम लैक ऑफ डाटा साइंस टैलेंट एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट हैव इंपेडेड सिमलेस अडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन लैक ऑफ क्रेडिबल एंड क्वालिटी डाटा देन डाइवर्स लैंग्वेज सेट लैक ऑफ स्किल्ड इंजीनियर अनअवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल with right data science skill, lack of clarity of business goal, no clear internal ownership of testing emerging technology. So pros and cons no likhi ki jodi question hai thanda taro challenges jodi hai thanda advantages and challenges tale question better hai thanda. So this question is basically from Insight IS amaro secure July ro 2020 ro amaro July month ro secure tenu GS3 section ku jodi jibo eta 4 number question ame discuss karuche. तो वे फॉरवर्ड जदि आम देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीड टू टेक सम कमांडिंग एंड डायनामिक रोल इन फ्रेमिंग रेगुलेशन ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डाटा प्राइवेसी एंड एनश्योरिंग द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। तो यही सब जिनस को लेकिन तुम्हें मेनसन कर तो आम फास्ट देखिले कौन आरबीआई तेनाली बैंकिंग सिस्टम रो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबिलिटी इंट्रोड्यूस कले आम तार कौन कौन एडवांटेज देखिले किसी चैलेंजेस देखिले जोटा कि क्वेश्चन टी भूल पचारती प्रोज एंड कंज। तो कंज रे एथि कौन लिखुची कंज रे टी चैलेंजेस पार्टा रखुची बा डिमेरिट पार्टा ये केबे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केबे भी डिमेरिट हो पारिबोनी जदि डिमेरिट हेबो केते बेले हेबो ना इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जेतेबेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन होची तारो जेतेबेले चाहिदा बढ़ी जाउची बा तारो डोमिनेशन आसी जाउची सेतेबेले कौन होची आमरो मैन पावर दरकार हेबोनी तो मैन पावर लेस हो जीवो तापरे जॉब अनएम्प्लॉयमेंट वृद्धि हेबो ए सब जिनस गुड़ा मेनसन कर था कि आज इट इज मानने जो जिनस को आम जेहेतु आम डिस्कसन करपर जे ये सब जिनस होबार पारि था। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन तो ये टाइप रोश्चे जो आसव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जार प्राक्टिकाल एक्सपीरियंस थी तुम जदि मैंने गोटे मानने रेगुला कस्टमर हो बैंक कि बैंक जब करुले दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फर यू। सो दिस इज अबाउट this question. Thank you for watching this. Bye bye. Take care.